फुलगुलान महारैली में झारखंड के सपूतों भाइयों बहनों क्रांतिकारी साथियों हमारा इंडिया गठबंधन के सभी नेतागण सबसे पहले आप सबों को हमारी ओर से जोहार सभी पत्रकार साथी लोग को भी हमारी ओर से जोहार। आज जो जनसैलाब अपना दिल से आए हैं वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति पर झारखंड प्रदेश या दिल्ली के या पूरा देश के अंदर में जो आज केंद्र सरकार की जो तनाशाही रवैया और जो केंद्रीय एजेंसी को अपना एक दल के लिए जो काम करने के लिए हिदायत उस सारी चीज को ये झारखंड प्रदेश से इसी मैदान से प्रदेश से लेकर देश को हम लोग एक संदेश देने के लिए आयोजन किया गया है जो हमारा लोकप्रिय सरकार जो 2019 में जिसका नेतृत्व में हम लोग जनादेश प्राप्त करके एक महागठबंधन संगठन का हम लोग सरकार बनाया। अरे झारखंड प्रदेश का इतिहास भूगोल एक अलग ही है, ये बड़ा धनी प्रदेश है लेकिन झारखंड के आदिवासी झारखंड के मूलवासी बड़ा दूरी रखा गया है यहां का खनिज संपदा से। ये लड़ाई हमारे पूर्वजों ने वर्षों से लड़ाई लड़ा है लेकिन आज हम लोग को जिस तरह से बेवजह जहेमन बाबू को जिस जमीन के नाम पर उनको गिरफ्तार किया वो भूमियारी जमीन है, ये कोई नहीं ले सकता है। ये पता होना चाहिए झारखंड के इतिहास या सीएनटी एक्ट है या एसपीटी एक्ट है या वन अधिकार अधिनियम है या पर हुई कंसल रूल है, ये व्यवस्था झारखंड में है। ऐसा परिस्थिति में आज जिसको आज जिस जमीन से उनको गिरफ्तार किया गया है आज उसका आज खरीद बिक्री नहीं हो सकता है। इस तरह के झूठा आरोप बना के नेतृत्व का हम लोग का नेतृत्व जेल के अंदर चल गया है। इसलिए आज आप लोगों को बताना चाहेंगे ये भारतीय जनता पार्टी का सोच है झारखंड का इतिहास को मिटाना कि आज वन अधिकार अधिनियम भी आज उस कानून को भी शिथिल करने गया है जिसमें आप ग्राम प्रधान का अधिकार है जंगल का बीच में जिसका अधिकार है वो अधिकार से भी आपको वंचित करने जा रहा है। कई अंचल में भी आपको उसी तरह का कानून लाने जा रहा है जो झारखंड जो इतिहास है यहाँ का जो अस्तित्व है यहाँ का जो अस्मिता है ये मिटाने का उनका षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी। आज जो यहाँ इस चुनाव में आपको फैसला लेना है जो संसद चुन के जाता है पार्लियामेंट झारखंड के धरती के ऊपर में बोलना चाहिए लेकिन जो भी भारतीय जनता पार्टी का संसद दिल्ली जाके यहां को यहां का सभ्यता यहां का सीएनटी एसपीटी यहां का वन अधिकार अधिनियम को बचा लेके ये एक शब्द नहीं कहता है और यहां का आदिवासी यहां का मूलवासी का अस्तित्व मिटाने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। इसीलिए आज आप लोग को ये सावधान होने का है ये क्यों ये लोग हेमंत बाबू से क्यों घबराया क्यों ये लोग केजरीवाल से
घबराया है। ये लोग सच्चाई में, ये लोग एक जनता की विध में निस्वार्थ भाव से काम करना शुरू किया कि आज झारखंड में ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक स्थिति बड़ा दयनीय है। और उस चीज को अध्ययन करके हमारी सरकार हेमंत बाबू ने सोचा कि हम यहां पहले सबसे पहले झारखंड के आदिवासी यहां के मूलवासी को हम आर्थिक स्थिति को सुधार देंगे, सामाजिक व्यवस्था को सुधार देंगे और शैक्षणिक व्यवस्था को लाएंगे आज बढ़िया। यही जो कदम उठाया है, इस कदम को देख के भाजपा वालों को पेट में दर्द पैदा हो गया है कि आज आदिवासी को शिक्षा देगा, मॉडल स्कूल बना के दे रहा है। अरे आप लोग को याद कीजिए, जिस समय इस राज्य में डबल इंजन का सरकार था, 5000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल गांव में बंद कर दिया था, ताकि ये सोचता था यहां का आदिवासी, यहां का दलित, यहां का पिछड़ा वर्ग का बच्चा नहीं पढ़े, इसलिए प्राइमरी स्कूल को बंद कर दिया था। आज कहता है हम चावल देते हैं, हमने 80 करोड़ का अनाज देते हैं, लेकिन आज झारखंड के इतिहास अलग है। जिस समय डबल इंजन का सरकार था, 11 लाख यहां झारखंडियों का गरीब घर परिवार का राशन कार्ड का रद्द कर दिया था। यही डबल इंजन का सरकार भारतीय जनता पार्टी ने रद्द कर दिया था। जब ये सरकार बना है हेमंत बाबू के नेतृत्व में, 20 लाख हरा राशन कार्ड हम लोग दे दिया है। और जो 5000 स्कूल बंद कर दिया था, या स्मार्ट स्कूल खोलने शुरू हो गया हर प्रखंड के स्तर में, ये उसको दर्द पैदा हो गया। जो यहां का गंवार रखने का इच्छा था, आदिवासी लोग नहीं पढ़े, यहां का दलित बच्चा नहीं पढ़े, यहां का मूलवासी पिछड़ा वर्ग का बच्चा नहीं पढ़े, ये दर्द हो गया साथी। इसलिए उनके ऊपर हेमंत बाबू पीछे पड़ गया, इस हमारे महागठबंधन के सरकार को हिलाने शुरू कर दिया है। ये उनका मंशा है, और भी बहुत लंबा समय भारतीय जनता पार्टी यह राज किया था, लेकिन यहां का आदिवासी का उत्थान करने कभी नहीं बात किया है, यहां का मूलवासी का उत्थान का कभी बात नहीं किया, न यहां का दलित का कभी बात नहीं किया। और वो जो आज हम लोग यहां का जो रोटी कपड़ा मकान हम लोग देना शुरू किया, तब उनका पेट में दर्द पैदा हो गया है कि आज इतना झूठा है। ये बहुत चिल्ला के चिल्लाते भारतीय जनता पार्टी कहता था कि हम 2022 तक सबको पक्का मकान देंगे, लेकिन झारखंड के साथ धक्का धोखाबाजी किया है। 8 लाख सूची बना था पीएम आवास का, 8 लाख प्रधानमंत्री आवास का सूची बना था, और कई बार पत्राचार किया गया, कई बार डायरेक्ट हेमंत बाबू और ग्रामीण मंत्री जाके हमारा भेंट करते गया कि पैसा दे दो, नहीं दिया। तब ये सरकार हेमंत बाबू ने उस समय था ये सोचा हम सरकार अगर नहीं देगा वो केंद्र सरकार, तब आपको अब वो आवाज देना शुरू कर दिया।